In this question, gas is taken in through four processes in each of the graph, and we are asked about change in internal energy when gas reaches to again at initial state A. A, B, C, D, A processes के through होने के बाद जब गैस वापस से A state पर पहुंचता है तो internal energy में change की बात पूछी जा रही है. और किसी भी graph में अगर हम P into V की values same पा रहे हैं तो इसका मतलब जब गैस वापस से उसी process में उसी state पर पहुंचती है तो उसका temperature unchanged रहेगा. temperature जितना initially था उतना ही अभी भी है, और इसका मतलब इंटरनल एनर्जी जो कि केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा. गैस की इंटरनल एनर्जी किसी भी प्रोसेस में चेंज नहीं होगी, इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा, और सही आंसर डी ऑप्शन होगा.